जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो एक जगह पे बहुत बड़ा ठोकर खाते हैं और वो है डेब्रॉय हाइपोथेसिस, जिसे कि दिया था 1924 में लुई डेब्रॉय ने। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम है उसके साथ एसोसिएटेड होता है एक वेव। ये पचाना बड़ा ही कठिन है जब तक हमारा क्लासिकल मेंटेलिटी हमारे दिमाग में हावी रहता है। इस वेव को नाम दिया गया मैटर वेव। अब इस मैटर वेव के साथ पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी है उसे उन्होंने कुछ इस तरह से इंटररिलेट किया कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम पी है और अगर उसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव का वेवलेंथ लैम्डा है तो ये लैम्डा और पी कुछ इस तरह के रिलेशन से इंटररिलेटेड है कि मोमेंटम उस पार्टिकल का वो बराबर होगा प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव। पर इसे एस्टेब्लिश होने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो चाहिए। तो यहां पर पिक्चर में आते हैं वॉल्टर मॉरिस अल्सेसर। ये बहुत ही टैलेंटेड फिजिसिस्ट थे। इन्होंने 1935 में यह कैलकुलेट किया था कि हेवी रेडियोएक्टिव न्यूक्लेई में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है। आगे चल के विग्नर जेंसन, गोपार्ट मेयर इन सब ने नोबेल प्राइज जीता था 1963 में। उन्होंने क्या किया था नोबेल प्राइज जीतने लायक? उन्होंने अल्सेसर का फॉर्मूला को ही डेवलप किया था। तो आप समझ रहे होंगे कि अल्सेसर कितने टैलेंटेड थे कि उनके फॉर्मूला को आगे डेवलप करते हुए लोगों को नोबेल प्राइज मिल रहा है। लेकिन यहां पर ये वेव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ते हुए हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि किसी ने हेवी रेडियोएक्टिव न्यूक्लेई में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किया था? इनका कंट्रीब्यूशन यहीं तक सीमित नहीं है। बहुत बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस में से एक कंट्रीब्यूशन इनका यह भी था कि इन्होंने 1926 में यह सजेस्ट किया था कि अगर मैटर का वेव लाइक जो नेचर है उसे अगर इन्वेस्टिगेट करना है, उसे अगर समझना है तो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि एक्सरे का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था और एक्सरे का वेव नेचर को एस्टेब्लिश किया गया था। और यहीं से आगे इसी सजेशन को पकड़ते हुए दो एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक तो किया डेविसन और जर्मर ने और दूसरा जीपी थॉमसन ने। दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में ये एस्टेब्लिश हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है जिसे कि अब तक हम पार्टिकल मानते हुए आए हैं उसका वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होता है। और इन एक्सपेरिमेंट्स के कारण 1937 में डेविसन और जीपी थॉमसन इन्हें मिला फिजिक्स में नोबेल प्राइज। थैंक यू वॉल्टर मॉरिस अल्सेसर आपके सारे कंट्रीब्यूशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो। यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। यहां से इलेक्ट्रॉन का बीम कुछ ऐसे बाहर निकल रहा है। यहां ये रियोस्टैट है और ये जॉकी इसे मूव करते हुए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर और यहां पर, इन दोनों जगह पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन बीम का एनर्जी उतना ज्यादा होगा। उन्होंने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया, लेकिन इस वीडियो को छोटा रखने के लिए हम सिर्फ एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और उसके रिजल्ट के बारे में, जो कि है 54 वोल्ट। उन्होंने साथ ही साथ यूज किया निकल का सिंगल क्रिस्टल। यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां से स्कैटर हो जाएगा चारों तरफ। निकल का सिंगल क्रिस्टल मतलब यहां बहुत बहुत सारे एटम्स हैं और वो सारे एटम्स ये लैटिस लेयर बना के हैं, एक एक प्लेन बना के हैं, एक एक प्लेन एक एक रिफ्लेक्टिंग लेयर होता है। साथ ही साथ उन्होंने यूज किया एक डिटेक्टर।
ये डिटेक्टर एग्जैक्टली कैसे काम करता है इसे समझने के लिए बेहतर होगा कि अगर आप ब्रैग्स लॉ एंड ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर वाला वीडियो देख लें। ये एडुपॉइंट में अवेलेबल है, वहां से आप समझेंगे कि ये डिटेक्टर एग्जैक्टली कैसे काम करता है। उस वीडियो को देखने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार में जाके लिखे ब्रैग्स लॉ एडुपॉइंट या फिर ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर एडुपॉइंट, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये डिटेक्टर कैसे काम कर रहा, कि जब स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच रहा है, ये उस पहुंचे हुए जो बीम है उसका इंटेंसिटी बता पाएगा। इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है ये उसे डिटेक्ट करके बता पाएगा। अब क्या है, इन दोनों को, इस क्रिस्टल को और इस डिटेक्टर को रोटेटिंग टेबल में रखा जाता है और ये रोटेट कर पाता है कुछ ऐसे। अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया और यह देखा गया कि एग्जैक्टली किस जगह पे ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम यहां पर पहुंच रहा है उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने शुरुआत किया बहुत छोटे एंगल से। यहां पर ध्यान रखें कि डिटेक्टर को कुछ ऐसे प्लेस किया जाता है कि जो इंसिडेंट एंगल है यहां पर, ये जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है यहां पर, और ये स्कैटर्ड एंगल ये बराबर हो। वैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बीम यहां पर पहुंचेगा, यहां से ये टकराएगा और स्कैटर कर जाएगा, इसका मतलब कि ये चारों तरफ बीम जो है ये चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन सिर्फ उसी एंगल के लिए डिटेक्टर को सेट किया गया जहां पर ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर हो, हमेशा ऐसा ही किया जाएगा। हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में ये एलाबोरेटली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन दिस इज द ट्रुथ। तो अब क्या हुआ, इसे रोटेट किया गया, इस क्रिस्टल को और इस डिटेक्टर को, तो कुछ ऐसे इसे रोटेट किया गया अलग अलग एंगल्स के लिए। ये देखा गया कि किस समय ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी यहां डिटेक्टर में पहुंचे हुए जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। 54 वोल्ट वाले केस में यह पाया गया कि जिस समय ये रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन बीम का जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, वो है जब ये एंगल बन रहा है 50 डिग्री का। अब चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या निकल के आता है और कैसे ये डे ब्रॉय हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कि ये जो 50 डिग्री के एंगल में ये डिटेक्टर जो बीम रिसीव कर रहा है इसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें यह मानना होगा कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये वेव की तरह बिहेव करता है और यहां से ये स्कैटर हो जाता है। और साथ ही साथ हमें पता है कि एक क्रिस्टल में एटम्स जो है ये ऑर्डरली रहता है। तो निकल क्रिस्टल, इसे अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर, सो निकल क्रिस्टल में एटम्स जो है ये कुछ इस तरह से प्लेस्ड होते हैं कि जो प्लेन ये बनाता है, ये जो एटम्स जो प्लेन बना रहा है, जैसे कि एक प्लेन यहां पर कुछ ऐसा प्लेन बनेगा, यहां पर एक ऐसा प्लेन बनेगा, इन प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जिसे कि हम डी से डिनोट करते हैं, ये होता है 0.91 एंगस्ट्रम। अब ये जो वेव आ रहा है, अगर इसे वेव की तरह हम ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को, तो ये जो वेव आ रहा है ये इस तरह से पहले लेयर से, इस वाले लेयर से रिफ्लेक्टेड होता है और कुछ पार्ट ये अंदर चला जाता है और अंदर वाले लेयर से रिफ्लेक्टेड होता है। दो वेव्स जो है ये इंटरफेयर करता है, कभी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है, कभी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बनाता है। जब इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तभी जाके ये जो इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम बनता है। इसका मतलब ये जो 50 डिग्री वाला केस है यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो यहां से अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेव आ रहा है, इसे अगर हम रे से डिनोट करें, तो ये जो वेव आ रहा है ये पहले लेयर से रिफ्लेक्टेड हो रहा और दूसरे लेयर से रिफ्लेक्टेड हो रहा। तो यहां से आया वेव, चलिए रे से डिनोट करते हैं, यहां से आया और ये ऐसे रिफ्लेक्टेड हो गया। ये एंगल जो है ये 50 डिग्री का बन रहा है, एक पार्ट जो है नीचे वाले लेयर से,
इस नीचे वाले लेयर से रिफ्लेक्टेड हो रहा है। और जो पाथ डिफरेंस है यहां पर, ये जो पाथ डिफरेंस होगा, जो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हैं तो यहां से लेके ये और यहां से लेके ये जो पाथ डिफरेंस है, इसी के कारण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ब्रैग्स लॉ में हमने ये देखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब तब होगा जब जब जो ये वेव यहां से आ रहा है, इसका वेवलेंथ अगर लैम्डा हो, तो जब जब एन लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी, ये वाला डी जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, डी इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर हो। यहां पर थीटा जो है ये ग्लांसिंग एंगल है। थीटा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, और इस एंगल को भी उसी के बराबर होना है, इस वाले एंगल को। तो ये है थीटा, ये है थीटा, ये किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये 180 डिग्री का होगा, उसमें से ये 50 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली इसे और इसे मिलाते हुए 130 डिग्री होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री का होगा। अब यहां पर चूंकि ये पहली बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहां, जब यहां लगभग जीरो डिग्री से यहां डिटेक्टर को ऐसे यहां से घुमाया गया, इस तरह से डिटेक्टर को घुमाया गया, तो यहां पहली बार चूंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा, तो ये जो n है, इस n का वैल्यू जो होगा ये 1 होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये ब्रैग्स लॉ है, ये हमने ब्रैग्स लॉ पढ़ते हुए देखा था। सो ये है ब्रैग्स लॉ। तो चूंकि n का वैल्यू इस केस में 1 है, तो हम यहां से इसी फॉर्मूला को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा, लैम्डा मतलब जो वेव आ रहा है उसका वेव लेंथ, इज इक्वल टू 2 इंटू डी इंटू इस केस में साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह 65 डिग्री। वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं यहां पर, तो 2 इंटू डी ये है 0.91 एंगस्ट्रम, सो 0.91 एंगस्ट्रम हम बाद में लिखेंगे। साइन ऑफ 65 डिग्री का जो वैल्यू है दैट इज 0.9063 ऑलमोस्ट, सो इसे 0.9063 ही लिख देते हैं, चलिए इतना एंगस्ट्रम हो जाएगा वेवलेंथ। आप कैलकुलेट करें तो आप ये पाएंगे कि ये लगभग लगभग, ये लगभग लगभग बराबर होगा 1.65 एंगस्ट्रम के। सो ब्रैग्स लॉ को यूज करते हुए हमने देखा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम ये वेव की तरह बिहेव करे, अगर ये वेव है या वेव का प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसका जो वेव लेंथ होगा दैट वेव लेंथ इज इक्वल टू ऑलमोस्ट दैट इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रम। तो क्या ये डेब्रॉय हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है? अगर कर रहा तो कैसे कर रहा? सिर्फ ये पता करने से कि अगर ये वेव है तो इसका वेवलेंथ इतना है, तो क्या ये डेब्रॉय हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर दिया? नहीं, पूरी तरह से ये सपोर्ट अभी भी नहीं किया, अभी भी कहानी बाकी है। तो ये तो हमने ब्रैग्स लॉ को यूज करते हुए देख लिया कि वेवलेंथ इतना होगा अगर हम क्लासिकल लॉ को अप्लाई करते हैं, जैसे कि ब्रैग्स लॉ। अब देखते हैं डेब्रॉय हाइपोथेसिस ये क्या बताएगा। इस इलेक्ट्रॉन बीम में हर एक इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेब्रॉय हाइपोथेसिस, वो कितना निकल के आता है? क्या ये 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर या इसके बहुत क्लोज है होगा? अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो है डेब्रॉय हाइपोथेसिस को ये एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करेगा। जैसे कि हमने डेब्रॉय हाइपोथेसिस में देखा था कि एक पार्टिकल, उसके साथ एसोसिएटेड होता है मैटर वेव, उसके पास जो मोमेंटम होता है उसी पर डिपेंड करता है वो, उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है। सो उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड मैटर वेव का जो वेव लेंथ है दैट इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय उसका जो मोमेंटम है ये। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट कर सके तो मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एनर्जी कितना होगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एक पोटेंशियल डिफरेंस को पार कर रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है 54 वोल्ट। इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगा ये बराबर होगा 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के।
अब इस एनर्जी को अगर जूल में हम कन्वर्ट करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगा वो हम कहेंगे बराबर होगा 54 × 1.6 × 10⁻¹⁹ इतना जूल। सो ये हमने जूल में एक्सप्रेस कर दिया हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना एनर्जी होगा वो। अब जैसे कि हमें पता है मोमेंटम और एनर्जी के बीच एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 × मास ऑफ द पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो यहां पर अगर वही वैल्यू हम पुट करते हैं तो चलिए देखते हैं डेब्रॉय हाइपोथेसिस से जो वेवलेंथ का वैल्यू निकल के आएगा इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होगा। सो प्लांक्स कांस्टेंट व्हिच इज 6.6 नियरली इंटू 10⁻¹⁴। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फाइनली ये वेवलेंथ के लिए वैल्यू निकल के आएगा तो फाइनल यूनिट जो होगा मीटर में होगा, बशर्ते चार सारे जो वैल्यूज हैं उन्हें हम SI यूनिट में लिखें। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 × मास। किसका मास? यहां पर मूविंग पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास इंटू उसका जो एनर्जी है वो। एनर्जी तो हमने यहां पर पता लगा लिया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 × मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। सो किलोग्राम को भी नहीं लिख रहा, सारे SI यूनिट में होगा तो वी डोंट हैव टू बॉदर। इंटू एनर्जी इसका 54 × 1.6 × 10⁻¹⁹। सो फाइनल यूनिट जो होगा इसका ये मीटर में होगा। यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या निकल के आता है। यहां से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली ये आएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम। यहां हमने देखा कि अगर ब्रैग्स लॉ हम अप्लाई करते हैं जो कि बड़ा ही सटीक था जब हम एक्सरे को वेव की तरह ट्रीट कर रहे थे और साथ ही साथ क्रिस्टल का जो जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने के लिए ब्रैग्स लॉ बहुत ही सक्सेसफुल था। तो उस लॉ को अप्लाई करते हुए हमने देखा कि वेवलेंथ जो होगा मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का ये लैम्डा होना चाहिए। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो हम इसे वेव कहेंगे। सो ये जो वेव है इस वेव का जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। और जैसे ही हम डेब्रॉय हाइपोथेसिस को उसका जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो वेवलेंथ है ये वेव लेंथ निकल के आता है ऑलमोस्ट 1.66 एंगस्ट्रॉम। सो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है डेब्रॉय हाइपोथेसिस का। इन दोनों का वैल्यूज इतना क्लोज है कि अब डेब्रॉय हाइपोथेसिस को एक बेस मिल गया और ये एक्सपेरिमेंट जो है इस हाइपोथेसिस को पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया। अब जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये जिस प्लेलिस्ट में रहेगा, ये दो प्लेलिस्ट्स में रहेंगे, एक तो 12th के लिए दूसरा BSc के लिए। तो दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर इससे रिलेटेड बाकी सारे वीडियोस को भी आपको देखना है तो वहां उस प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम आगे के मुद्दों पर बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।